जय हिंद दोस्तों। 18 मई 2022 के दिन आफ्ताब पूनावाला ने अपने लिविंग इन पार्टनर श्रद्धा अग्रवाल के 35 टुकड़े कर डाले। इस इंसिडेंट के बाद पूरा भारत देश आज सदमे में है और ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की पहली घटना नहीं है। कठुआ रेप केस हो या रिसेंटली जबलपुर का इंसिडेंट, आज ये देश पूछता है कि इतने सारे स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बावजूद क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, स्टॉकिंग, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस पर अपना फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है एक लड़की की हत्या का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हत्या का आरोपी ये कह रहा है कि उसने बेवफाई करने पर लड़की की हत्या की है। ये बिना हिचकिचाए लांग गई वो श्रद्धा जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान। तो अगर फैक्ट्स की बात करूं तो 2021 का एनसीआरबी रिपोर्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के डिफरेंट कैटेगरीज पर बहुत ही शॉकिंग फैक्ट को रिवील करता है। लव रिलेटेड क्राइम्स को अगर देखूं तो भारत में हर 10 मर्डर में एक मर्डर लव रिलेटेड पाया गया है। 28,000 से भी ज्यादा महिलाओं का किडनैपिंग केवल इसलिए किया गया ताकि उनसे जबरन शादी किया जा सके। इतना ही नहीं, प्यार और धोखा के मामले में 13,000 से भी ज्यादा महिलाओं का मर्डर कर दिया जाता है। विशाखा गाइडलाइंस के बावजूद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में कुछ ज्यादा गिरावट नहीं देखा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, रेप्स के मामले रुक नहीं रहे हैं। 2021 में 31,000 से भी ज्यादा रेप केसेस सामने आए हैं, यानी कि तकरीबन ऑन एवरेज 86 रेप केसेस डेली होता है। इतना ही नहीं, सुसाइड्स के मामले में भी महिलाएं ज्यादा पीछे नहीं। 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं 2021 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से सुसाइड कर लेती हैं। इनमें 23,000 से भी ज्यादा महिलाएं हाउसवाइफ पाई जाती हैं, जो कि ये सवाल खड़ा करता है कि हाउसवाइफ मेंटल क्रुएलिटी या इमोशनल डैमेजेस या कौन से कारण्स हैं जिसके वजह से सुसाइड कर रही हैं। आपने इंग्लिश विंग्लिश फिल्म तो जरूर देखा होगा जहां पर हाउसवाइफ्स के इम्पोर्टेंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। खुद इज आर्ट। मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। व्हाई डिड यू जस्ट से? ये फिल्म एक क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह से हाउसवाइफ्स के हार्ड वर्क को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते और इम्पोर्टेंस नहीं देते। लैंसेट पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट 2018 ने वुमेन सुसाइड पर एक रिसर्च किया और बताया कि इवन दो वुमेन्स ज़्यादा वर्क करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, उनका नॉन रिकॉग्निशन समाज में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट के कारण सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दोस्तों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट अपराधों के कारणों में सबमिसिव एटीट्यूड ऑफ द वुमेन भी एक कारण माना गया है। आपको यकीन नहीं होता, NFHS 3 का रिपोर्ट इस पर बहुत ही इंट्रीगुइंग फैक्ट को रिवील करता है कि किस तरह से महिलाओं का सबमिसिव एटीट्यूड डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के हिसाब से 29% महिलाओं को इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें बस इसलिए मारा था क्योंकि वे उन्हें बिना बताई कहीं चली गई थी। 30.3% महिलाएं इस बात पर कोई विरोध नहीं करती थी कि उनके हस्बैंड उन्हें इसलिए मारे थे क्योंकि वे अपने हस्बैंड से आर्ग्यू करी थी। 25.1% महिलाओं को इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि उनके हस्बैंड उन्हें बस इसलिए मारा करते थे क्योंकि उन पर अनफेथफुल होने का शक था। वुमेन के इस सबमिसिव एटीट्यूड के वजह से सप्रेसिव एटीट्यूड का जन्म होता है और यहीं पर शुरुआत होता है क्राइम का विशियस सर्कल। सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। कर सकते हैं असर्टिव और अवेयर होकर, अपने लीगल अधिकार को जानकर और इसे राइटफुली एक्सरसाइज कर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से लीगल अधिकार आपके पास हैं इन क्राइम्स को रोकने के लिए। सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आपको यह अधिकार देता है फ्री लीगल सर्विसेज का, यानी आपको अगर कुछ कैटेगरीज में आप आते हैं तो आपको सरकार की तरफ से फ्री लीगल सर्विसेज प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं रेप और सेक्सुअल हरासमेंट को सर्वाइव करी हुई होती हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वे अपना स्टेटमेंट प्राइवेटली रिकॉर्ड करा सकें, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने। उनके पास 0 FIR को भी फाइल करने का अधिकार होता है, यानी वे किसी भी पुलिस स्टेशन में अपना कंप्लेंट को दाखिल कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। इतना ही नहीं, आपके पास राइट
टू नो अरेस्ट का भी अधिकार है, यानी कि कोई भी महिलाओं को 6 बजे सुबह से पहले और शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और नहीं, सेक्शन 160 CRPC बोलता है कि वुमेन को इंटरोगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन आना जरूरी नहीं है और उन पर किसी भी तरह का फोर्स या दबाव नहीं डाला जा सकता है। यानी इंटरोगेशन के लिए आप पुलिस को अपने घर में आकर इंटरोगेट यानी कि पूछताछ करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वर्किंग वुमेन को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून प्रोटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट के विक्टिम्स को अपने आइडेंटिटी को एनोनिमस यानी गुप्त रखने का भी अधिकार है। दोस्तों, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रोटेक्ट करता है। ध्यान रहे, इसमें महिला खुद या कोई भी अन्य व्यक्ति महिला के बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। 498A IPC वुमेन के अगेंस्ट क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स को पनिश करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और यह भी समझ में आया होगा कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक छोटा टॉपिक नहीं है। इसके प्रॉब्लम्स रियल हैं, इनके इश्यूज रियल हैं, इनके कारण रियल हैं और इनके लीगल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो आप एक्सरसाइज कर इससे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस घर बैठे या बाहर निकाल सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूरतमंदों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।